आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी, जिसे हमने पराठे की तरह बनाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए लिया हमने 1 कप बाजरे का आटा, 2 उबले हुए आलू जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता, 1 चम्मच अदरक और मिर्च क्रश की हुई, नमक। अब एक बर्तन में ये बाजरे का आटा, आलू, धनिया की पत्ती, अदरक मिर्च, नमक सब डाल के अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद ले। पानी की अगर जरूरत हो तो पानी डालें। आटा रेडी हो चुका है, अब इसके लोई बना लें। जिस साइज के पराठे बनाने हो उस साइज की आप लोई बना लें। इस लोई में सूखा आटा लगा के इसे बेल लें। एक साइड में हमने अपना तवा चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। इसे हल्के हाथों से बेलें। रोटी बेल चुकी है, अब इसे इस तरह से उठा के गरम तवे पे डाल दें। रोटी का एक साइड सिक जाए तो इसे पलट दें। अब इसके ऊपर घी लगाएं। इस तरह से बनाने से बाजरे की रोटी बहुत सॉफ्ट भी होती है। दूसरी साइड भी घी लगा दें। गैस को धीमी आंच पे कर दें। इस तरह से पराठे की तरह सेक ले इसे। ये हो चुका है, अब इसे उतार दें। इसी तरह से सारे पराठे सेक लें। गर्मा गर्म बाजरे के पराठे तैयार हैं। इन्हें सर्व करें। ये बहुत ही मुलायम होते हैं खाने में।